हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट वाले ब्लॉग को आपने बहुत सारा प्यार दिया और मुझे लगता है इस ब्लॉग को उससे ज़्यादा आप लोग प्यार देने वाले हो। यहाँ पे धनु की जो है बर्थडे की शॉपिंग हो रही है, मतलब गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं ननिहाल की तरफ से इनकी पसंद का। गाइस ये देखिए, गिफ्ट खरीदा है ना तो पेमेंट मामी ही करेंगी, क्योंकि मामी ने बोला पेमेंट करेंगे, ये नहीं करेगा। करने जा रहे थे, याद आया तो कह रहे थे नहीं अभी ये करेगी। ठीक है बाबू, आपको ये गिफ्ट किसने दिया है? इससे पहले क्या बोला था? सुन लिया था? मामी ने तेरे जबरदस्ती क्या कर गलत बोल दिया। बाबू फुटबॉल अभी कितना सारा घर पे रखे हो? वो चाहिए, वो अच्छा लग नहीं है ये नहीं वो तो बस ये प्लास्टिक। छोटे छोटे बच्चे खेलते, अब तो बड़े हो गए हो। अब तो आइसक्रीम नहीं खाना है ना, इसलिए नहीं मिलेगा। कल दिला दोगे? हाँ कल दिला दूंगे, ठीक है। बर्थडे हो जाएगा उसके बाद दिला दूंगी, ठीक है। चलो आएंगे इसमें। हाँ चलो अंदर से। वो भी यही है, एक ही है। तो गाइज ये रहा धनु के लिए बर्थडे सरप्राइज। हाँ जी, यहाँ पे धनु का केक कट होगा। ये उनके मामू मामी नानी मासी जो भी हैं सब लोग ने अरेंज किया था, और बहुत जल्द, बिल्कुल मतलब फटाफट में ही, बिकॉज इन लोगों को तो आज ही पता चला था ना कि मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने सोचा चलो भाई, हमें इंजॉय करने का मौका मिल गया, अपने धनु का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया, तो हम यहाँ पे केक कट कर लेते हैं और धनु को खिला देंगे केक। कैसा लगा? इधर देखो, कौन सरप्राइज किसने दिया आपको? और मामी और नानी और अच्छा, आपको बहुत अच्छे से पता है किसने किसने दिया है। और भी कोई है क्या? नहीं, हम तो आए हैं, है ना। तो गाइज केक कट करने से पहले भाई ने बोला कि पहले हम ऑर्डर कर लेते हैं जो भी खाना है, ताकि मतलब कि ऑर्डर जो है मिल जाएगा केक कटने के तुरंत बाद, नहीं तो लेट हो जाएगा तुझे घर जाने में। तो मैंने बोला ठीक है, इसने हमें दे दिया कि तुम दोनों अपनी पसंद से ऑर्डर कर लो और हम खा लेंगे जो भी तुम पसंद करोगे अपना, मतलब हमें अच्छा लगेगा हम खा लेंगे, ठीक है। तो हमने ऑर्डर किया, और मुझे पता है कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर देख के इस तरीके से, वो भी एक दिन पहले, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे होंगे कि क्यों ऐसे किया। तो बहुत जल्द टाइम वो नज़दीक आ गया है जब मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ, और बहुत कुछ आप लोगों को पता चलने वाला है। इधर ही आओगे बेटा, आप ही के लिए, आप नानी के पास बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है। आप थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ, सारे बंदे नहीं आ रहे, आप आगे हो जाओ। नहीं आप भी रहो, आप भी रहो। भैया क्लोज हो ना, क्लोज हो ना, क्लोज। इधर देखो, इधर देखो। हाँ जी इधर देखो, हाँ जी आया,
कटिंग करो। वीडियो है तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को मेरी फैमिली में से पापा और छोटा वाला भाई विवेक नहीं दिख रहे, तो पापा जो है ऑफिस थे और विवेक जो है पेपर देने गया हुआ था, इस वजह से और यहाँ मासी और भांजे की मस्ती हो रही थी इसलिए वो लोग आप लोगों को नहीं दिख रहे। बट हाँ, उन्होंने बोल रखा था कि हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम डायरेक्ट वहीं से यहाँ पर आ जाएंगे। और भाई जो है यहाँ पर गिफ्ट्स का जो है ब्लॉग सॉरी नाम लिख रहा था और यहाँ पर पापा आ गए। और तो गाइस पापा यहाँ पे धनु को केक खिला रहे हैं और धनु कह रहे थे बड़ा वाला टुकड़ा खिलाना मुझे नानू। तो शौक हर किसी का होता है, लेकिन बात तो ये हो जाती है ना कि मतलब कुछ लोग दिखावा कर पाते हैं, कुछ लोग दिखावा नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग मजबूर होते हैं, तो जिसको जो आता है जैसे वो वैसे करता है। और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी मायके की फैमिली इसलिए पसंद है क्योंकि उनके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप सबको देख रहे हो मतलब कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, सबका ड्रेस देखो सब मतलब, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल गए हुए थे, वो लोग अपने ऑफिस, और इसके बाद अब आ जाएगा विवेक और धनु या फिर कोल्ड ड्रिंक के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वही लेके हम छुपा रहे थे बार बार, बस थोड़ा सा आपको पीना है उसके बाद नहीं मिलेगा। फिर पापा यहाँ पे मेरा हाथ देख रहे थे, देखो मेरा हाथ कैसा हो गया, मैं यहाँ पे जब हाथ दिखा रही थी ना तब मुझे एकदम से ध्यान आया कि ओहो मेरा हाथ खाली है। मम्मी ने अपनी एक चूड़ी निकाल के दी कि इसे डाल लो, वो भी डर था होगा कि नहीं होगा। और फिर पापा मुझे बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना, कितने दिन में ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं, अब तो हड्डी जुड़ गई होगी, तब कोई नहीं घबराओ नहीं। और मेरे भाई को देखो यहाँ भी कितना बिजी है, बहुत बिजी रहता है। जो बिजनेसमैन होते हैं ना जिनका अपना काम होता है वो हमेशा बिजी ही रहते हैं, जो ड्यूटी वाले होते हैं ऑफिस वाले होते हैं उनको तो छुट्टी मिल जाती है, चलो भाई एक दिन की छुट्टी दे दो, लेकिन जिनको अपना काम होता है ना भाई साहब वो नहीं छुट्टी ले सकते, उनका फ़ोन पे फ़ोन फ़ोन पे फ़ोन आता ही रहता है। और गाइज बस यही बस सवालों का जवाब, जवाबों का सवाल जो भी है, बट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बातों को लेकर रोना भी आ रहा था कि मतलब आज इस बार मेरे मम्मी पापा को बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, बट कोई नहीं। फिर हमने यहाँ पे डिनर किया, खाना खाने के बाद जो है मम्मी पापा घर चले गए, बिकॉज़ मम्मी की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है गाड़ी में, मतलब वही वाली दिक्कत है ना, सर घूमना
वोमिटिंग आना ये भी बहुत ज़्यादा है मम्मी को, मम्मी बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हैं, तो इसलिए वो पापा के साथ बाइक से घर चली गई। बाकी हम सारे लोग, हाँ विवेक भी चला गया, बाकी हम सारे लोग मार्केट गए बिकॉज उन्हें धनु को कपड़े दिलाने थे, ड्रेसेस दिलाने थे और भी गिफ्ट्स बाकी थे। ठीक है गाइज। हम यहाँ पे एक नंबर के मार्केट में पहुँच गए, गाड़ी जो है हमें बाहर खड़ी करनी पड़ी बिकॉज मार्केट में घुसने के बाद, तो बस जो लोग जानते हैं एक नंबर के मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ गाड़ी घुसाने के बाद फिर निकलती नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होता है, रश होता है उस मार्केट में। तो हम इस मार्केट में गए लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया, पता है क्या, ये देखिए हम कहाँ गए और कहाँ पहुँचे। मैं निवेदन करूंगा ये जितने कार्यकर्ता हैं थोड़ी सी व्यवस्था लगा के चले और प्लीज बैठे। गाइस पीछे से फिर हम मार्केट में हैं, यहाँ पे हैं तो हमें आते ही शूज़ का शॉप दिख गया, तो वहाँ पे शूज़ दिख नहीं रहा था बट मैंने पूछा ऐसे ही तो उन्होंने निकाल के दे दिया, बोला कि हाँ है। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि एक दिन पहले चलो मिल गया मुझे, मुझे मन से इतना हुआ था कि मैं ये बूट बबनी के लिए लूँ बिकॉज जो मैंने उसके लिए ड्रेस लिया ना उस पर ये बूट बहुत अच्छा लगेगा, तो पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा और दोनों भाई बहन का मैचिंग मैचिंग हो जाएगा, तो मुझे मिल गया ना तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। मुझे यही चाहिए था, बस थोड़ा सा लग रहा था बड़ा है, फिर भी पूजा ने बोला नहीं भाभी नहीं दीदी ले लो कि थोड़ा सा तो बड़ा होता है ये बूट होता है तो, और वैसे भी इतना हमेशा तो पहनेगी नहीं बूट, तो थोड़ा मतलब
आगे तक भी चलेगा। हमने चलो ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि डेली में तो हम बूट पहन नहीं पाते, वो भी छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर लगे हाथ, धनु ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, उनकी मासी ने उन्हें शूज़ दिला दिया, जबकि आप लोगों को पता है अभी शूज़ लेके आए थे। फिर उसके बाद हम गए शॉप पे कपड़े लेने, और ये शॉप जो है बंद हो चुका था बिल्कुल, मतलब क्लोज। जैसे ही नीचे शटर गिरा रहे थे, अंधेरा था, सारा सामान देखो ये लोग अंदर कर चुके हैं, तब तक हम गए, बोले कि नहीं भैया हमें ड्रेस चाहिए, आप हमें दे दो। कह रहे नहीं दुकान बंद हो गया, कल 9 बजे खुलेगा, कल आना। ये मार्केट और इसलिए जल्दी बंद हो रहा था बिकॉज जो पूजा हो रहा था उस वजह से, वरना थोड़ी देर और खुला रहता है। तो यहाँ पे विशाल ने बोला कि जो भी है आप हमें दिखा दो, तो पता नहीं महंगा तो बहुत दिया इन्होंने, लेकिन पता नहीं वो कपड़े की वजह से महंगा दिया, कपड़ा इतना अच्छा है, या फिर दुकान बंद हो रहा था। तो लेकिन वैसे तो प्राइस हर जगह फिक्स ही हो गया, जो बोलते हैं वही दे देते हैं, उस पर जो लिखा हुआ रहता है। तो बस यहाँ पे हमने देखा 2-4 ड्रेसेस, तो उसके बाद हमने एक सेलेक्ट किया इनके लिए, और उसके बाद ले लिया जो मतलब हुड वाला होता है ना, टोपी वाला, वो वाला पूजा ने मना किया कि सब बहुत सारे हैं उसके पास, तो ऐसा वाला कुछ लो। तो हमने इसमें से कोई एक लिया, जो भी है आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जो गिफ्ट वाला ब्लॉग है, और भी जो भी जो कुछ भी लिया सब कुछ आपको उसी में देखने को मिलेगा। तो गाइज़ अब यहाँ से हम चलेंगे घर जाने के लिए जाएंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब घर जाएंगे धनु, अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। और ये सारे गुब्बारे ले लिए और गुब्बारे रास्ते में यहीं पर फोड़ दिए। और मुझे पता है आप लोगों के मन में दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, आप लोग बहुत सारे बहुत कुछ बोलने वाले हो, बट कोई नहीं, जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हो। और वैसे भी नेक्स्ट थोड़ा सा और इंतज़ार करना है आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम अब आ गया है बताने का, तो शायद मैं अब बता दूँ, बट अभी देखती हूँ। और आप लोग ब्लॉग देखिए, इन्जॉय कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। धनु का तो बल्ले बल्ले हो गया इस बर्थडे, वाओ कितने सारे केक, कितने सारे बर्थडे, मतलब कितना सेलिब्रेशन हुआ। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धनु भी बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय।